अलीगढ़ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में आयोजकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फिल्मी गानों पर डांस करने की अनुमति दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर प्यार का पंचनामा दो के गाने या तो मैं हूँ शराबी या भय बोतल शराबी पर जब प्रस्तुति शुरू हुई तो सभी की नजरें अभिनय कर रहे लड़के लड़कियों पर टिक गई। अकबरपुर पुरानी तहसील तिराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आईपीएस अफसर ने सरेराह एक स्वात टीम के सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारी जो चोट लगी है तुम्हारी बेइज्जती हुई उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के शर्मिंदा हूँ, मुझे इनाम नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को 100% मानता हूँ और मैं उस समय भी यही बात कह रहा था जब यहाँ पर मैंने कहा भाई उस लड़के को अगर ये लगे कि उसको मेरे ऊपर कुछ करवाना है बिल्कुल करो। ऐसा नहीं है यार, मैं भी तुम लोगों का एक साथ काम करता हूँ, मैं तुम्हारा ही एसपी हूँ। तुम्हारे बीच में कहते हैं अगर एक दो यहाँ पर फैजाबाद में कोई पोस्टेड हो जो मेरे अंदर भी काम किया हो तुम लोग के लिए गोली खाई और तुम लोग के खिलाफ इतने मुकदमे मैंने एक्सपंज कराए हैं। मैं मेरठ मैं बाराबंकी के एसपी रहा हूँ, मैं एसपी ट्रैफिक रहा हूँ, कहीं से पूछना पड़ा। गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, बच्चे हमारे उसके अंदर बैठे थे, लोग उनको मार रहे थे। मैं उनके अपने बच्चों को लेकर के आया, इनके पिता को मैं ले गया अस्पताल में एडमिट कराया, फिर ले गया जिला अस्पताल, वहाँ से रिफर करवाया उनको ले जा करके। मैंने पूरी मानवता दिखाई जितनी दिखा सकते थे। अब बताइए, इन्होंने मुझसे कहा, अपने एक दरोगा से फोन करवाया, सुनील सिंह नाम है उनका, उनसे फोन करवाया, कहा कि कह दो कि चले आए तहसील पर, हमसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा आप आइए, माफ़ी मांग लीजिएगा, सब ठीक है। मैंने इनसे माफ़ी मांगी, इनके साथ जितने लोग थे सबके साथ मिल करके इन्होंने बड़ी तहसील पे मारा। इतना काम मैंने इस जिले के लिए किया है, इतने लोगों के सामने बेइज्जत किया जा रहा है, इस तरीके से मारा जाए। हम सिपाही हैं तो कोई भी मार सकता है हमें, किसने कोई मानवता नहीं है। तहसील पे किसने मारा? वो जो 2011 बैच के आईपीएस हैं, देवाना के रहने वाले हैं, अभिषेक सिंह, खुद मारे उन्होंने, खुद मारा और सबसे पहले उन्होंने ही मारना शुरू किया था। हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं इसलिए क्योंकि हम सिपाही हैं। हरिद्वार रुड़की हाईवे पर ट्रक और कार की जबरदस्त भीषण भिड़ंत हुई जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। एक्चुअली संदीप वर्मा है, ये अपने फादर अशोक वर्मा की अस्थियां लेके आए थे हरिद्वार, वहाँ से ये लोग वापस जा रहे थे। कुल 5 आदमी थे, सेंट्रो गाड़ी थी। तो जब ये यहाँ पहुँचे आके टर्नपुल के पास में, तो इधर से एक ट्रक जा रहा था सीमेंट से भरा हुआ, तो उससे टक्कर हो गई और इसमें 4 आदमी तो तभी ख़त्म हो गए थे और ये संदीप वर्मा के काफ़ी चोटें आई हैं जो रिफर कर दिया गया। रुड़की शहर के गंगनगर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव के जंगलों में एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने खेतों में काम करने गई थी, जहां बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निवाला बनाया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वालों की लापरवाही है, ये एक हफ्ते में दूसरा हमला है, और इससे भी पहले एक 15 दिन पहले हुआ था, वो भी ऐसा हुआ था, उसमें आदमी बच गया था। तो जी ये जंगलात वालों की तरफ से मतलब सब लोगों के 7 दिन पहले भी एक हमारे गांव की शेख थे, उसमें सही जानकारी नहीं थी किसने मारा, वो कुत्तों की पता कि कुत्ते हड़काने कुत्ते थे उन्होंने मारा था। अगर आज सही मालूम हुआ कि जो ये हमारे गांव की लेडीज थी मंत्री, इसको शेर ने इसको काट दिया है और उसकी मौके पर मृत्यु हो चुकी है। अभी मैंने डीएम साहब से बात की और डीएम साहब अभी डीएफओ फोन कर रहे और जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो इस तरह के हैं जानवर हमारे जंगल में आए उन्हें पकड़ने की व्यवस्था वन विभाग। रुड़की क्षेत्र के इमली खेड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया जिसमें हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किसान मेले में शिरकत की।
ये जो कृषि फसल बीमा योजना है ये हर किसान तक पहुँचे। आज तक क्या होता था कि जो ऋण लेता था किसान उसका तो बीमा होता था और बीमा की भी जो स्थिति थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, प्रीमियम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब हर किसान तक ये जाए ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, किसान को उसका लाभ मिले, उसको न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम उसको भुगतान मिले, उसकी फसल यदि क्षति होती थी पहले 50% फसल की क्षति होने पर उसको बीमा मिलता था, उसको भुगतान होता था, अब तो 30-33% की क्षति पर 100% क्षति को कवर करने की ये योजना है। तो मैं समझता हूँ कि जो किसानों को पहली बार इस देश के अंदर पहले ये महसूस हुआ कि किसान का भी कोई सुनने वाला है। बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में छाई बैसाखी की धूम। इलाके के जिहोला गांव में हजारों की संख्या में गांव वालों ने नगर कीर्तन का आयोजन कर दिया एकता का परिचय। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज अलीपुर में छात्रों ने पानी को लेकर किया प्रोटेस्ट। कॉलेज में कई सालों से पानी की समस्या है और कॉलेज के बच्चों को कैंटीन से पानी खरीद कर पीना पड़ता है। आज हमारे स्टूडेंटों ने मांग की थी कि भाई पानी की समस्या हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा है और ये दिल्ली सरकार का हमारे दिल्ली में मुख्यमंत्री है वो हर बार तक कहता है पानी हमने मुफ्त कर दिया, ये कर दिया। कॉलेज की समस्या इतनी गंभीर है जिसमें कि पानी आ नहीं रहा, गंदा पानी मिलता है क्षेत्र में भी और कॉलेज के जो स्टूडेंट जो है इतने त्राही त्राही हो गई है, उसी चीज़ को लेकर अपनी डिमांड रखी उन्होंने और पानी की समस्या बहुत अहम समस्या है। हमारे कॉलेज में कई सालों से प्रॉब्लम इतनी है, बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। शायद ऐसा हमारा कॉलेज की सब फ्री पढ़ते हो, सबसे ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम हमारे कॉलेज में काफ़ी सालों से जो सॉल्व नहीं हो रही, ना स्टाफ से ना बच्चों से। आज हमने एक्शन लिया कि हम कॉलेज ही बंद कर दें, एक बड़ी स्ट्राइक करें जिससे हमारे कॉलेज में पानी आए सभी ठीक रहे। पानी की समस्या हमारे कॉलेज में कभी से है, इसका हल कभी नहीं निकाला कॉलेज प्रशासन से, लेकिन ये 2-4 दिन से इतनी बढ़ चुकी है कि बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए लेकिन पानी के चक्कर में पूरे दिन घूमते रहते हैं, कहीं पर भी पानी नहीं मिलता, बच्चे कैंटीन से पानी खरीद। दिल्ली का पानी का अपना कोई सोर्स नहीं, वो दूसरे राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली की त्रिवेणी कॉलोनी करीब 20 साल पुरानी है और यहाँ पानी की लाइनें अभी तक नहीं बिछ पाई है। कई कई दिन में दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है और टैंकर पर देखे लोग अपने अपने बर्तन और पाइप लेकर दौड़ पड़ते हैं। यहाँ पे 20 साल से लगभग पानी नहीं आ रहा है, पानी की सप्लाई की लाइन भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो बाहर पानी भेज रहे हैं पहले वो यहाँ की पूर्ति तो करे तभी तो वो बाहर पानी भेजेंगे। जब यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ 3-4 दिन में एक बार टैंकर आता है वो भी उसमें इतना गंदा पानी आता है कि लोगों के पेट दर्द और बाकी सारी समस्याओं से लोगों की हत्या भी हो रही है और 1-2 लीटर के टैंकर के नीचे आके मृत्यु भी हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री को पहले यहाँ पे पानी की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, उसके बाद कहीं बाहर लाहौर वगैरह में पानी भेजना चाहिए। और सड़कें पानी बिल्कुल भी नहीं है, पानी बहुत गंदा है, उसमें बच्चे हाथ धोते हैं, पाइप वगैरह ऐसे डालते हैं। हमारे त्रिवेणी कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या, हमें बहुत परेशानी हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हम स्कूल जाते हैं पीछे से टैंकर आ जाते हैं, हमें टाइम नहीं लगता पानी भरने का। स्कूल ज़्यादा जरूरी है या पानी, हम चाहते हैं कि पानी भी ज़्यादा जरूरी है पर यहाँ पे ना पानी की कुछ भी समस्या नहीं है, ना नल वगैरह लगे हुए हैं। मतलब जनपद शाहजहाँपुर के थाना सदर बाजार निवासी राकेश ने थाने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी विवेचना उप निरीक्षक आसिफ अली चौकी इंचार्ज कैंट कर रहे थे। आसिफ अली को गश्त के दौरान सूचना मिली कि 3 संदिग्ध व्यक्ति सिंचाई विभाग के पास चोरी की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मनीष और धीरज को गिरफ्तार कर लिया। 27 की सवेरे जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं और घर से जेवर, रुपए, गैस सिलेंडर और 2 मोबाइल फोन ये गायब हैं। उन्होंने थाने पे FIR लिखवाई थी, पार्टी के साथ गश्त में था। गश्त के दौरान मुझे जानकारी मिली कि 3 आदमी सिंचाई विभाग की कॉलोनी के पूर्व में कर्नल के पुराने खंडर के पास जो है चोरी की योजना बना रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब मैं वहाँ मौके पे गया तो एक आदमी इनका भाग गया, 2 साथी इनके पकड़े गए। दोनों से जब मौके पे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने 23/24 की रात्रि में जिस दिन होली थी
OCF कॉलोनी में जो है क्वार्टर से सामान चोरी किया। वादी को बुलवाया गया शिनाख्त की गरज से, उसको साथ ले जाके इनके घर से बरामद किया गया। मनीष के घर से हमें एक सिलेंडर मिला और चांदी की कटोरी, चांदी के दो सिक्के और चुराए गए रुपयों में से बचे हुए 2000 रुपये। अंबेडकर नगर जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान बम फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। का पांडे और तिवारी परिवार में जमीनी विवाद है, इसी को लेकर के आज में कहा सुनी हुई और चीनी मिल के गेट नंबर 6 पे आपस में झगड़ा हुआ है और पता चला कि बमबाजी हुई है। उसमें एक आदमी मर गया है, 4 घायल हैं। अस्पताल घायल को ले आए हैं, उनका इलाज चल रहा है और अपनी मौत के लिए रवाना हो जाए। बिजनौर NIA अधिकारी तंजील और उनकी पत्नी हत्याकांड में पुलिस ने अब इस हत्याकांड से जुड़े 4 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी मुनीर अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अर्धकुंभ का 8वां स्नान यानी बैसाखी स्नान, और ये बैसाखी स्नान धर्म नगरी हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर की पौड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान करके मां गंगा की आराधना की। इस अर्धकुंभ में ये महाशिवयोग मुसल महाशिवयोग बना है, जिसमे सप्तमी का योग है, ये सरस्वती जयंती भी है। वही अर्धकुंभ में जब ऐसा शिवयोग बन जाए तो लोग जो भी जाप हवन वगैरह करेंगे और दान करेंगे, कम से कम गंगा जी में 7 डुबकी लगाएंगे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि जो कलयुग का सबसे बड़ा तीर्थ है, जो मोक्ष प्रदान करेगा, पितरों को मुक्ति देगा और सर्व मनोकामना पूर्ण करेगा, वो हरि का द्वार माना गया है। इसे मायापुरी भी शास्त्रों में कहा गया था कि हर युग में अलग अलग जो स्थान थे तीर्थ उनका महत्व था, लेकिन कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्व हरि के द्वार का है। जो कहीं भी पूजा पाठ कर ले, जब तक हरिद्वार में पूजा पाठ नहीं करेगा, पितरों को तर्पण नहीं देगा, ना पितरों की गति होगी ना उनको लाभ मिलेगा। और इस बार 433 वर्षों बाद ये योग आया है, और जिसमें क्योंकि हमारा इस संबंध का मंत्री बुद्ध है और वो पृथ्वी तत्व का कारक माना गया ग्रह है। स्नान शुरू हुआ है, ये 3 दिनों का कार्यक्रम रहेगा। इसमें पुख्ता व्यवस्थाएँ की गई हैं सुरक्षा की, और हमारे जितने फेजेज के फोर्सेज हैं वो सभी इस समय मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल विभिन्न शाखाओं का, चाहे वो सिविल पुलिस का हो, PAC का हो, पैरामिलिट्री हो, हमारे इंटेलिजेंस के हैं, वो हमने जगह जगह पे नियुक्त किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है। मैं लुधियाना से आया हूँ, हमारे साथ में है 4-5 आदमी और भी हैं, और हम गंगा स्नान के लिए, अर्धकुंभ के स्नान के लिए आए हैं। और गंगा स्नान कुंभ से मन को बड़ी शांति है, सब जितने भी पाप ताप सब उसे मुक्ति से मिलती है, छुटकारा मिलता है, बड़े प्रसन्न हुए जाकर के। यानी एक बार तो ठंडा लगता है, लेकिन बाद में मैया की कृपा से है सब कुछ ठीक हो जाता है।